यहाँ से जब हम इंडिया जाएंगे तो कोविड टेस्ट कराना है हमें। तब पुलिस आई थी उसकी शॉप पे और सब कुछ वहाँ से हड़प के चली गई पुलिस। आपको पता चल गया रोनाल्डो कहाँ से कपड़े लेता है। ये बिजी बीच मैंने आज तक नहीं देखा, पूरा भरा हुआ है। Hey guys, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ फुकेट। तो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं था वियतनाम में और वियतनाम से मैं बाली और मलेशिया घूमने गया था, पर वो वाली वीडियोस मैं बाद में डालूंगा। मैंने कहा ये वीडियो पहले डाल देता हूँ क्योंकि अभी मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ। ये मेरी दूसरी ट्रिप है थाईलैंड की और अभी जो ट्रैवलिंग के रूल्स है वो थोड़े चेंज हुए हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो पहले डाल देता हूँ तो आप लोगों को पता चले कि ट्रैवलिंग के जो रूल्स है वो अभी क्या है कोविड के रिलेटेड। इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, इस बार मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। मेरा दोस्त है वो अभी वॉशरूम गया है, बाहर आता है तो मिलाता हूँ उससे। तो ये रहा मेरा दोस्त जिसके साथ मैं जा रहा हूँ इस बार घूमने के लिए। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे, कुछ 10 साल हो गए हम लोग मिले। 10 साल के बाद मिलने के बाद हम लोग सीधे जा रहे हैं थाईलैंड ट्रिप के लिए। ये मास्क पहन रहा है क्योंकि ये थोड़ा कॉशियस है कोविड के लिए, थोड़ा डर रहा है कोविड वायरस के लिए। तो मैं नहीं पहन रहा, मुझे नहीं पसंद है मास्क पास पहनना। इसने 2 पहने तो मेरा भी इसने ही पहन लिया लगता है। पहन लिया। तो अभी थाईलैंड की बात करूँ तो थाईलैंड में एज सच ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा जाने के लिए। बट अगर आप थाईलैंड या चाइना या हांगकॉन्ग या ऐसी किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो तो अभी आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इंडिया में एंट्री मिलेगी। तो मैं तो कुछ 7 तारीख को आने वाला हूँ वापस, तो उस टाइम पर देख लूँगा कि क्या सीन है, उस टाइम पर क्या रूल है। बट अभी तक का तो यही रूल है कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो वापस तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो स्पेशली, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। मेरी जो फ़्लाइट है वो अभी सुबह 5 बजे और अभी तो 10 भी नहीं बजे। हमारे पास 7 से 8 घंटे यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे, तो पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग गए थे कस्टम कराने के लिए पर हमारा कस्टम नहीं हुआ क्योंकि बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग। एक्चुअली मैं अहमदाबाद से फ़्लाइट किया है, मैंने अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से फुकेट की फ़्लाइट है मेरी। फुकेट ये मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो देखता हूँ फुकेट जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए और वो सारी इन्फॉर्मेशंस। अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस टाइम पास करता हूँ, बैठते यहाँ पे बोर होते और क्या। इस बार मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ तो इतना ज़्यादा बोर नहीं होऊंगा यहाँ पे बैठने में। कोई नहीं, वेट कर लेता हूँ, जब इमिग्रेशन करके अंदर जाऊँगा बाद में वीडियो बनाता हूँ। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं फुकेट में। मैंने एयरपोर्ट पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग। बता देता हूँ आप लोगों को कि एयरपोर्ट पर क्या सीन होता है। तो सबसे पहले जब आप फुकेट के एयरपोर्ट पर लैंड करते हो तो वहाँ पर लाइन लगी होगी वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भर लेना अगर आप चाहते हो तो, घर से ही भर के आ सकते हो। निशित ने घर से ही भरा था फॉर्म, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड करके आप घर से ही भर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। वो जो फॉर्म है वो भरने के बाद आप जाओगे वीज़ा लेने के लिए। वीज़ा फ़ीस जो होती है वो 2000 से 2200 तक है। तो यहाँ पर 2000 वाला तो मैंने देखा नहीं काउंटर, जो 2200 वाला था वही काउंटर देखा मैंने। तो $200 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो वो प्रायोरिटी लाइन होती है, वो करप्शन वाली है थोड़ी इन लोगों की। तो वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, 5 मिनट में वीज़ा दे दिया उन्होंने, पैसे लिए, पासपोर्ट लिया और वीज़ा दे दिया 5 मिनट में एक विंडो से दूसरे विंडो में। हाँ, जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट इंडिया में ही मांगते हैं, जैसे कि होटल बुकिंग हो गई या रिटर्न टिकट हो गई वो सब। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ मांगा नहीं था उन्होंने। तो जो 10,000 बात कैरी करना है वो मैं भी ऐसे रेकमेंड नहीं करता। मैं अगर अगली बार आऊँगा तो कैरी भी नहीं करूँगा 10,000 बात, क्योंकि ना इंडिया में मांगे थे ना यहाँ पे मांगे थे। $ ही कैरी करना, यहाँ आके कन्वर्ट करा लेना फिर, अगर आप वो जो 200 बात एक्स्ट्रा दे के अगर आपको वीज़ा लेना है तो। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे पूरा दिन हमने आराम किया क्योंकि थक गए थे, पूरी रात सोए नहीं थे हम लोग। और कल का दिन जो था वो हमारा पूरा आराम करने में गया। अभी हम लोग जा रहे हैं पतलोंग के बीच में, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इस वीडियो में वो सब डाल दूंगा मैं जो आज एक्सप्लोर करता हूँ। कई बात जवान बोला, कई बात जवान, तू बोल नहीं ले, मैं बोल तू बोलता चले, मैं उभरा को करने के बाद उभरा को एम छे आप। अच्छा, ये बात जवान, बातें करते करते थोड़ा आगे आ गया हम लोग, वहाँ से मुड़ना है आगे। तो अभी फुकेट में मैं थोड़ी कोविड की बात करूँ तो थाईलैंड में कोविड है ही नहीं, न्यूज़ में पता नहीं क्या बताते रहते ये लोग। पर अभी यहाँ से जब हम इंडिया जाएंगे तो कोविड टेस्ट कराना है हमें। थाईलैंड से कराना है कि इंडिया से कराना है वो अभी श्योर नहीं है। इंडिया के एयरपोर्ट से या थाईलैंड से कराना है वो श्योर नहीं है, पर वो तो जब हम लोग कराएंगे तब बता दूंगा आप लोगों को क्या है उसका। अभी ये फुकेट में तो अभी कुछ 12 बज रहे हैं दोपहर के और सब कुछ बंद है यहाँ पर। ये सब कुछ रात को ओपन होता होगा शायद, आज रात को यहाँ आऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा मैं इसकी। कल तो पूरा दिन सोने में ही गया था तो इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था हमने। ये रहा ये मार्केट,
अगर पता है आप बैंकॉक में होते तो ऐसा दोपहर में बंद नहीं होता, वहाँ पे 24 घंटे खुला ही होता है सब कुछ, यहाँ पे थोड़ा डेड है। यहाँ का वो मार्केट है कपड़ों का, वो सब कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे कोरोना बहुत है इसलिए कोई नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं कोरोना एक्चुअल में। हमने देखो मास्क नहीं पहना है, पता नहीं कोई है ही नहीं यहाँ पे, एकदम डेड है। अभी तो यहाँ से बीच पर जा रहे हैं, देखते हैं बीच में क्या माहौल है। तो मुझे लगता है जो फुकेट है वो टूर्स के लिए ज़्यादा फेमस है, ऐसे स्ट्रीट्स के लिए उसके लिए फेमस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये टूर के लिए आ गए, टूर देख रहे थे। तो मैंने फीफी आइलैंड के बारे में पूछा इसको, तो ये जो फीफी आइलैंड का टूर है, क्या है बोल रही है, तो जो फीफी आइलैंड का टूर है वो कुछ 1500 बात में पड़ता है, मतलब 1500 के आसपास, थोड़ा बहुत कम कर देंगे ये लोग। पूरे दिन का टूर होता है ये, तो हम सोच रहे हैं कि दो दिन के बाद जाएंगे यहाँ पे ये टूर करने के लिए फीफी आइलैंड। और अभी ये दूसरा टूर देख रहा है कल के लिए, आज का जो पूरा दिन है वो तो बस हम यहाँ वहाँ घूमेंगे और टूर देखते हैं कल के लिए बुक कर लेंगे। इसको टाइगर देखने जाना है, मैं तो देख के आया हूँ तो मेरा कुछ पता नहीं है। तो कल के लिए हमने जो पैकेज लिया है वो ये वाला है, इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो। टाइगर मैं करके आया हूँ पर फिर भी एक बार दूसरे टाइगर से मिल लूँगा। और क्या, इसकी जो प्राइस यहाँ पे लिखी है 2700 पर, ये हमें पड़ता है कुछ 1200 बात में, इंडिया के हिसाब से मान लो 1200 लग रहा है 2500 रुपये के आसपास होता होगा, 3000 के लिए तो ठीक है। 10 बजे की टाइमिंग है तो हम सोच रहे हैं कल का ये पैकेट ले लें और उसके बाद फीफी आइलैंड वाला पैकेट ले लेंगे यहाँ से। 35 का दे बुक कर दिया ला। अगर आप लोगों को भी यहाँ से बुक करना है तो मैं इसका एड्रेस लिख लूँगा नीचे, आप यहाँ से भी बुक कर सकते हो। ये देखो शॉप भुट्टे लेके आ गई, मैंने इसको कुछ 2000 बात दिए थे, 1200 मतलब 800 बात जितना देगी मुझे वापस, यू गिव मी 900 राइट, यस 900 बात, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वन मोर नो। तो जो बीच पर जाने का रास्ता है हमारे होटल से वो कुछ 20 मिनट का है, और कुछ एक घंटा हो गया अभी और अभी तक हम लोग बीच पर नहीं पहुँचे क्योंकि रास्ते में इतनी सारी शॉपिंग की दुकानें वगैरह है, तो बस सब जगह पे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं हम लोग। बट एक बात देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं, ना शॉप्स में कोई ख़रीदी कर रहा है, ना रोड पर कोई देखने को मिल रहा है, जैसा पता है या बैंकॉक में मिल जाएगा आपको। ज़्यादातर जो लोग होते हैं मुझे लगता है वो टूर लेके चले जाते होंगे यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बीच वगैरह वो आपको पता है बैंकॉक में भी मिल जाएगा, तो जो टूर है वहीं फेमस है यहाँ पर फुकेट में। यूनिवर्सल एडेप्टर, इनिशित एडेप्टर लेके नहीं आया घर से तो यहाँ से वो एडेप्टर ले रहा है। मेरा तो जो न्यूजीलैंड का चार्जिंग पोर्ट है वो लग जाता है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया का जो है वो यहाँ पे नहीं लगता। चार्जिंग कोड है वो कुछ 50 बात में मिल जाएगा, अगर आप भी इंडिया से लेके नहीं आते तो एक मिल जाएगा 50 मतलब 120 रुपये के आसपास होता होगा। अभी तो भूख लगी है तो कहीं पे जाके पहले खाना खाते उसके बाद जाते बीच पर। तो हम लोग कुछ इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। तो कल हमने कुछ KFC ट्राई किया था यहाँ पे, बहुत ही बकवास था, पेट भी गड़बड़ हो गया था हमारा वो खाने के बाद। अभी ढूंढ रहे हैं कुछ इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा वाला, वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं। मेरा तो नहीं होता पेट गड़बड़, इसका पता नहीं, मेरा तो हो गया था भाई KFC खा के। अभी हम लोग आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, मैं तो बिरयानी खाने वाला हूँ यहाँ पर, तो कुछ पड़ेगा 280 मतलब 500 रुपये के आसपास होगी सर। प्राइस सभी रेस्टोरेंट में मैंने चेक करी सेम ही है यहाँ पे बैंकॉक और 800-800 या 700 एकन मंगा इसके बे मंगा एक मंगा ही है। ये देखो ये टी शर्ट पसंद आई है मुझे, देखते प्राइस क्या बोलता है, प्राइस अगर ठीक होगी तो ले लेता हूँ। 200-300 बात दूंगा मैक्सिमम मैं इसका, इससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा। हाउ मच फॉर दिस वन ब्रदर, Yes, how many t-shirts do you like, brother? How many Naruto t-shirts do you have? Okay, one, this is Naruto. This is Kakashi, this is, yeah. This is Kakashi or no, yeah. Naruto? No, not Naruto. What a...
How much for one? This one? So how many t-shirt do you want? For one, how much? Only one, my friend. This is Naruto one, is different price, so like this. Naruto one, I sell it only this one, okay? $450. Just one, not two. like this cheaper, brother. I don't know. Like this cheaper. Just checking out. That one's cheap? Yes. How much that one? $300. That's 300. Yes. And what if I buy two? Okay, discount. How course. Much? Naruto one, okay, 450. I give you 800 for two, okay? No, 400 one. Two, brother, two. For two. Oy, brother, you don't kill me, yeah, brother. You have too many shirts. Yes. Yeah. So why so expensive? because my nice t-shirts, they're not expensive ones. तो कुछ 450 जितना बोल रहा था एक टी शर्ट का, तो कुछ 300 में बनाया मैंने, 300 मतलब इंडिया के हिसाब से 700 रुपए के आसपास। तो अभी साइज देख रहा हूँ मेरी, ओके लार्ज, या आई विल ट्राई दिस, या ओके लार्ज इज ओके ब्रदर, या लार्ज इज ओके परफेक्ट, ओनली वन टेक टू, यू डोंट हैव अ गुड वन, ओह माय गॉड, आई डोंट हैव गुड वन, लाइक यू हैव गुड वन बट नॉट द वन आई लाइक, या पकड़ जला मैं। तो निशित को भी यहाँ से ही लेनी है टी शर्ट, तो मैंने उसको बोला कि हम दोनों यहाँ से ले रहे हैं तो प्राइस थोड़ी और कम कर देना, तो कुछ 500 बात में हमें दो टी शर्ट पड़ेगी यहाँ से, 250 की एक हो गई, तो ठीक है प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से तो और अच्छा है। व्हाट आर दिस पिक्चर्स ब्रदर? दिस इज फॉर द हु मेक द सूट आफ्टर माय शॉप, सो जस्ट आई मेक हैप्पी कस्टमर, ऑल कस्टमर, ऑल कस्टमर हैप्पी, सो रोनाल्डो, यस रोनाल्डो आल्सो टू कमिंग, यस Why you not with him then, like this one? because he coming with the security guy, so you know I can't go with him. So. Oh. आज आपको पता चल गया रोनाल्डो कहाँ से कपड़े लेता है? पॉकेट से कपड़े लेता है रोनाल्डो. Thank you for your help. Thank you brother. तो हमने कुछ इतना पे किया? 525. 500 था पर कार्ड से पे किया तो 25 बात हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा. पर कोई नहीं, बहुत ही अच्छी शॉप थी और टीशर्ट भी. See you later, Thank brother. Thank you. All the best. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. You are YouTuber too? Yes. Is it? Yes. Oh, we wow. We saw this because that's But you know, this guy has a heaps of followers. Yeah. How many followers you have? Yeah, oh, hello. 4,000 maybe. He's here in New Zealand actually. Don't worry, you'll have a move. Yeah. I stopped here, so now I'll have more. Okay, thank you. How are you? तो एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले एक यूट्यूबर था, उसने वीडियो बनाई थी तो 2 मिलियन व्यू आ गए थे उसके व्यू पे, तो उसने बताया कि यहाँ पे पुलिस आई और उसका सारा सामान ले गई यहाँ से, पता नहीं क्यों, शायद डुप्लीकेट बेच रहा है, शायद इलीगल होगा और वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया था, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा वो। और चलो कोई नहीं, बलून, व्हाट बलून, पैराशूट, हाउ मच, 1500 1500 for this. One people, two people, 3000. Yeah, start here. From here. Come, can take video. Have a look around. Just came. Now after hot, it's yeah, already now, hot. Now I discount for you. How much? Two people. One. One people. Two people, no? No, he doesn't want. You want 1500? I give you 1003. 1300. तो कुछ 300, 1300 बात में हो रहा है, मतलब 3000 के आसपास में पैराग्लाइड, दिस वन राइट, यस फॉर हाउ लॉन्ग, लाइक हाउ वन राउंड, हाउ मच, लाइक 5 मिनट 10 मिनट, टेक ओनली वन राउंड, सो दैट जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर, कम हियर, ओके, सेफ्टी, नॉट गेट वेट, आई हैव अ लुक अराउंड, थैंक यू, बट थैंक यू वेरी मच, कम बैक। तो कुछ 3000 में ऐसा राउंड मारने को मिलेगा आपको, जो हर बीच में होता है, गोवा दमन जहाँ पर भी जाते हो सब, तो ऐसी जगह कहीं नारियल पानी लेने। अभी तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे बैठेंगे, कब के चल रहे हैं, 1 घंटे से कितना, 2-3 घंटे से ऊपर हो गया चल रहे हम, यहाँ पे बैठते हैं नारियल पानी लेके ऑफ कोर्स, और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हे गाइस, सब्सक्राइब। ये बीच मतलब इससे बिजी बीच मैंने आज तक नहीं देखा, पूरा भरा हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं पे जाके बैठे, बट बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही हम लोगों को, ना ही कोई सेलर दिख रहा है कि जो बेचे इस लोगों को। तो हमने ये चेयर हायर करी है, कुछ एक 100 बात की चेयर है, मतलब 220-230 रुपए की चेयर है, जितना बैठना उतना बैठ सकते हो यहाँ पे,
ये रही चेयर। और कोकोनट की प्राइस यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है, 50 की जगह पे 60 लेते हैं ये लोग, तो हाँ वही है। और पूरा बीच भरा हुआ है यार, मतलब बहुत ही बिजी है। तो कोई नहीं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको दे दी इन्फॉर्मेशन कोविड के रिलेटेड, मैंने थोड़ा बहुत वॉकिंग शीट दिखा दिया आपको और शॉपिंग सेंटर दिखा दिए यहाँ के। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।